नमस्कार बागवान भाइयों, जेडी ऑनलाइन स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज हम फिर से हैं शंग्रीला फार्म में, राजा चौहान जी के ऑर्चर्ड में। और ये जो ब्लॉक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये G41 पे टीरेक्स गाला है। तो मैक्सिमम ग्रोवर का क्वेश्चन है कि इस पे गाला किस तरह का है, विग्रस है नहीं है, किस तरह की ग्रोथ है। तो मैं आपको लाइव बगीचे से ही दिखाऊँगा कि फर्स्ट ईयर प्लांटेशन है, अभी अप्रैल मई में प्लांट किए, बट फिर भी सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ है। आप देखें, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 फीट ग्रोथ है, और जो इसके फैदर है वो भी अच्छे से ग्रोथ पे आए हैं। तो ये एक्चुअल स्टेटस है प्लांट का, ये देखें, हाईली विग्रस अगर मैं कहूँ। इस तरह से प्लांट है, और बाकी G41 के करेक्टरिस्टिक आप रूट स्टॉक के ऑनलाइन सर्च कर ले, किस तरह से कौन कौन सी बीमारियों को रिजिस्ट करता है, वो सारा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा मटेरियल। बाकी अगर वैरायटी वाइज मैं बात करूं, तो मेरे हिसाब से ग्रोथ सेटिस्फैक्ट्री है, और फ्रूट इन्होंने हार्वेस्ट कर लिया। फ्रूट की मैं कोई बात नहीं कर सकता, कोई कमिटमेंट नहीं है। तो मेरा खाली इसको दिखाने का पर्पज़ ये है कि अगर कोई लोग रूट स्टॉक अपग्रेड करना चाह रहे हैं, ये M9 से आप जनेवा पे जाना चाहते हैं, तो इस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा। विगर अच्छा है, काफ़ी अच्छा है मैं कहूँ, 7-8 मंथ के प्लांट है। तो ये देखिए, हाईली विगरस, इसमें तो उन 3 फुट की ग्रोथ आपको दिख रही है। और बाकी अगर आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आप रजत चौहान से बात कर सकते हैं। उन्होंने ही ये प्लांट इम्पोर्ट किए थे कि किस तरह की वैरायटी, किस तरह का इस पर वैरायटी परफॉर्मेंस है। बाकी मैंने आपको ग्रोथ तो दिखाई ही दी, ऑलमोस्ट बीच में हल्का सा मोर्टिलिटी है, बाकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो ये सारा आपका G41 पे टीरेक्स गाला। तो रिगार्डिंग वैरायटी परफॉर्मेंस कोई क्वेरी हो तो रजत चौहान जी से बात करें। बाकी अबाउट रूट स्टॉक परफॉर्मेंस वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो ऐसा एज सच कोई भी विग्रस इशू तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। आप यहाँ देखिए कितने ज़्यादा वाटर शूट आए, बट फिर भी लीडर इतने अच्छे से ग्रो किया है, ये चीज़ है। बाकी नॉट वही है, वैसे उसी तरह से इसकी ग्राफ्टिंग यूनियन जो बॉटल नेक है वैसे ही बनेगी, जैसे G9 का है, सॉरी आपका M9 का है, T337 का है, वही है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा बहुत बीमारियों को ज़्यादा रिजिस्ट करता होगा, जो फंगल डिजीज़ है। बाकी मुझे भी अभी ठीक से याद नहीं कि कौन कौन सी डिजीज़ को रिजिस्ट करता है, ये देखें। बाकी थोड़ा सा जो आइज़ है वो नॉचिंग से इवन डेड नहीं है, आपको आइज़ फिर भी दिखेगी अगर आप हल्के जब सेफ अपराइट फ्लो करेगा या डाउन अपराइट खासकर फ्लो करेगा, उस टाइम नॉच करके ये ब्लाइंड वुड आपका भर जाएगा, क्योंकि आपको आइज़ अभी भी हेल्दी लग रही है, ज़िंदा है, डेड वुड नहीं है। तो एक इसका प्लस पॉइंट मुझे ये दिख रहा है, और ये जहाँ मर्जी देखो आप, आई प्रॉपर हेल्दी है। तो आप नॉचिंग से इसको ब्रश कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो डायरेक्ट ऑर्चर्ड से। बाकी इसमें भी कोई इनपुट हो, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, तो कृपया इस स्ट्रीम पे आप कमेंट करें, और अधिक से अधिक बागवानों तक ये स्ट्रीम शेयर करें, ताकि सबको G41 जनेवा सीरीज के जो रूट स्टॉक है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।